हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 8 को स्टार्ट किया हुआ है, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एक्सरसाइज 8.1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। आज बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2, NCERT क्लास 12, और चैप्टर का नाम क्या बेटा? एरिया अंडर कर्व, या इसे क्या बोलते हैं, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया ए टू बी वाई डी एक्स होता है, जबकि आप एक्स की एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, वाई डी एक्स लिखते हैं। जब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग एरिया निकालते हैं, ऑन द वाई एक्सिस के बारे में बात हो रही है, वाई एक्सिस के ऊपर आपको एरिया निकालनी है, तो क्या लिखते हैं बेटा, एक्स डी वाई। और जब दो फंक्शन होते हैं, जैसे एक एफ एक्स हो गया और दूसरा जी एक्स हो गया, और इनके बीच की अगर एरिया निकालनी है इस एरिया को, तो क्या करना होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स जो अपर होता है एफ एक्स, और जो लोअर होता है लोअर को माइनस करना होता है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था, उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद ग्राफ्स, हमने ग्राफ्स को भी डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले वीडियोज में। तो जो पिछला वीडियो है उसमें ग्राफ्स को देख लेना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ्स अगर पता है तो आप एरिया अंडर कर्व को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ें कनेक्टेड मिलेंगी आपको। क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 अगर अच्छे से आपको आता होगा तो 8.2 भी इजीली आप कंसिडर कर पाएंगे और समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 8.2 के बेटा हम सॉल्व एग्जाम्पल से एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सॉल्व एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6, और देखिए ध्यान से देखिए बेटा, हम यहाँ पे क्वेश्चंस को नोट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। हाँ, हम बोल देंगे उसे, और आप जब इसे वीडियो को देख रहे हो तो क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखनी है, कॉपी पेन को साथ में रखिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा तभी है जबकि आपके पास कॉपी और पेन होगा। अदरवाइज आप क्या होगा कि उसे देखते जाएंगे और सब कुछ उड़ता चला जाएगा। ठीक है ना, देखने से कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि याद तो करना नहीं इसे, इसको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो एग्जाम्पल 6 है बेटा, उसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज। अब टू पैराबोला है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया गया। अब ये टू पैराबोलाज है। अब इस पैराबोला के बारे में अगर बात की जाए तो हमने बात की हुई बेटा कि अगर एक्स में स्क्वायर है तो वाई के अबाउट सिमेट्री होती है, और वाई में स्क्वायर है तो एक्स के अबाउट सिमेट्री होती है। तो हम लोग हमेशा क्वेश्चंस के ग्राफ को जरूर ड्रा करेंगे। तो ड्रा करते बेटा एक्स का स्क्वायर तो वाई के अबाउट सिमेट्री, तो आपका ग्राफ इस टाइप से कुछ जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा बेटा। ठीक है ना, और इसके अंदर जो एरिया बन रही उसके बारे में बात करनी है, तो मुझे इस एरिया के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ग्राफ की एरिया निकालनी है वो एक्चुअल में इस अपर एरिया से लोअर एरिया को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बात समझ में आ रही है, अपर से क्या करना है, लोअर को माइनस करना है। अपर क्या बेटा, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, लेकिन कहाँ तक माइनस करना बेटा, ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट तक के बारे में बात करनी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये एक्स की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता है, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम सिंपल सा काम है बेटा, एक्स की वैल्यू जो है वाई स्क्वायर लगा दीजिए, या वाई की वैल्यू को क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर की जगह हमें लगाना है बेटा क्या, एक्स स्क्वायर लगाना, और क्या है स्क्वायर है, क्योंकि वाई का स्क्वायर है, इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया एक्स रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। एक्स क्या मिल जाएगा, 1। तो ये पॉइंट आ गया 1। तो आपका जो लिमिट स्टार्ट हुआ है बेटा वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 1 तक के बीच में। तो सिंपल सा काम ये है कि 0 से हमें क्या करना है, 1 तक लेना है। अपर जो ग्राफ है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है बेटा, वो रूट एक्स है। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट एक्स आ गया। और माइनस जो लोअर ग्राफ है, लोअर ग्राफ में हमें क्या लेना, वाई, वाई की वैल्यू क्या बेटा, एक्स स्क्वायर है, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये बात समझ में आ गई होगी। एफ एक्स क्या बेटा, अपर, मतलब वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रूट एक्स है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो अपर से लोअर को माइनस करना है।
अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर क्या होगा बेटा, ये 3/2 होता है और यहाँ पे 2/3 लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का बेटा एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा और लिमिट लगानी है आपको 0 to 1। जैसे आपने 1 लगाया तो 1 लगाने पे यहाँ 1 आ जाएगा तो 2/3 और माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये अपर लिमिट हो गई है ना बेटा। 1 पुट करने पे 1/3 आएगा और जब 0 पुट किया तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेटा वो 1/3 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे बेटा, ओके। चलिए तो एग्जाम्पल जो दिया गया बेटा, एग्जाम्पल 7 के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 7 कहता है फाइंड द एरिया लेइंग अबव एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस के ऊपर के बारे में बात की जा रही है, इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया गया है एट इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है, अबव द एक्स एक्सिस सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला। तो अब इस सर्कल के बारे में बात कर लेते, पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर है बेटा, ये एक्चुअली माइनस 8x हो गया और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। इसे हम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, ये एक्स माइनस का 4 का होल स्क्वायर है, ठीक ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होगा तो माइनस का 16 करना पड़ेगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इस सर्कल के बारे में हम ऑलरेडी बात की हुई है कि इसका जो सेंटर होता है वो एक्स माइनस एच का स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो सेंटर क्या आ गया बेटा, एच कामा के सेंटर, ध्यान देखिए एच की कंपेरिज 4, के का कंपेरिज देखा जाए तो 0 है और रेडियस क्या बेटा इसकी 4 है, आर का स्क्वायर 4, सेंटर आ गया रेडियस आ गई। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक ना। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, सर्कल का सेंटर 4,0 है, 4,0 यहाँ आएगा, रेडियस 4 है तो ऑब्वियस सी बात ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, तो रेडियस आपका सर्कल इस टाइप का आ गया, ठीक है ना। अब सर्कल अगर आ गया है, अब बात करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, पैराबोला होगा। अब इसने ये कहा था कि पैराबोला के इनसाइड अबव द एक्स एक्सिस एंड अ सर्कल, ये सर्कल तो आपका एक्चुअल में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है। अब ये मुझे नहीं पता ये कहाँ कट कर रहा है, हम लोग बात करेंगे इस पैराबोला की और ये जो सर्कल बना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। इस हिस्से के बारे में हमें एरिया के बारे में बात करनी है, तो पहला काम क्या करना है, इस सर्कल और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। देखिएगा आपके पास इक्वेशन ये दी हुई है, तो हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 8x इज इक्वल टू क्या है 8x आ गया, ठीक है ना। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x है, 8x और 8x कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ये तो हम लोग गलत कर दिया ना, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा 8x आ गया, सॉरी ये गड़बड़ है, यहाँ पे 4x है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती ना, ये 4x हो गया ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो एक्स की क्या आएगी बेटा 0 आएगी और 4 आएगी, मतलब पैराबोला जो है सर्कल को 0 पे कट कर रहा है और कहाँ कट कर रहा है 4 पे, तो ये पॉइंट जो आएगा वो 4 आएगा, ये पॉइंट एक्चुअली 4 है बेटा। तो 0 टू 4 तक के बीच में क्या करना है, पैराबोला के एरिया निकालना है, 0 टू 4 तक के बीच में क्या करना है पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या बेटा वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल टू है रूट 4x, क्या है रूट 4x, तो रूट 4x प्लस यहाँ से यहाँ तक के एरिया, तो ये देखिएगा 4 टू यहाँ तक क्या है बेटा, ये पॉइंट क्या होगा 8,0 होगा, क्योंकि अब भी सी बात है ये डायमीटर है तो ये 8,0 8 तक। अब ये इक्वेशन आप सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से वाई स्क्वायर निकालना होगा, तो वाई की वैल्यू क्या होगा बेटा अंडर रूट ऑफ 60 मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 स्क्वायर dx हो गया, ठीक है। अब ये तो पार्ट बहुत इजी हो गया, समझ में। अब इस पार्ट का क्या मतलब है, ये 2 हो गया और ये रूट एक्स हो गया, रूट एक्स क्या वैल्यू 3/2 और यहाँ 2/3 लिख दिया और 0 to 4 हो गया प्लस। इस केस में काम कर सकते हैं चीज़ें आसान करने के लिए, एक्स माइनस 4 को t मान दिया तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया। अब बात करते हैं लिमिट की, जब एक्स क्यू तो 4 होगी तो 4-4 क्या हो जाएगा 0 और जब एक्स क्यू तो 8 होगी तो 8-4 4 हो जाएगा और अंडर रूट में आएगा
फोर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह डी टी आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने बहुत बात की हुई है लास्ट वीडियो में भी और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर फोर पुट किया तो फोर पावर क्या आ गया बेटा, थ्री बाई टू आ गया, और जब जीरो पुट किया तो जीरो आ जाएगा प्लस का। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टी बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बोलते कितनी बेटा, सिक्सटीन, ए स्क्वायर ये होता है बाई टू, और साइन इनवर्स टी बाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और लिमिट है आपके पास जीरो टू फोर। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते बेटा, फोर का रूट देखेंगे तो टू आ जाएगा, टू का क्यूब एट हो जाएगा, एट फोर जा 32 डिवाइड बाई थ्री आ गया प्लस। यहाँ देखते हो हम फोर को सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, तो फोर सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा फोर बाई टू, यहाँ फोर स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, मतलब ये फोर स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर जीरो हो गया प्लस 16 बाई टू एट। फोर यहाँ पुट किया तो फोर बाई फोर क्या होगा, वन हो जाएगा, साइन इनवर्स वन आ गया, और साइन इनवर्स कब होता है बेटा, जब पाई बाई टू होता है। ये हो गया आपका लिमिट, माइनस लोअर के बारे में बात करते हैं। जीरो पुट किया तो ये टी की वैल्यू जीरो, तो कंप्लीट मल्टीप्लाई जीरो, यहाँ टी की वैल्यू जीरो तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये कंप्लीट जीरो हो गया। तो ये आ गया आपके पास 32 बाई थ्री प्लस 4 पाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 पाई प्लस 32 बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करें बेटा हम लोग क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर एट, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर एट दिया गया, फिगर दिया गया 8.17 फिगर दिया गया, तो पहले फिगर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया गया उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, दिस वन एक्स एंड दिस वन वाई, और फिगर कुछ इस टाइप का है, एक इलिप्टिकल बॉडी है, ठीक है ना, ये जीरो दिया गया है, यहाँ बी, ये पॉइंट ए मेंशन है, और आपको दिया गया एक्स डैश है ना, वाई डैश, और ये एक्स होगी, ठीक है, और इसको ज्वाइन किया गया है, और यहाँ पे जो रीजन दिया गया वो सेडेड रीजन दिया गया है, इस रीजन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन फिगर 8.17 ए ओ बी ए, ए ओ बी ए इज अ पार्ट ऑफ द इलिप्स। अब ये ए ओ बी ए के बारे में बात कर रहा है बेटा, इज अ पार्ट ऑफ अ इलिप्स, इलिप्स दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय क्या आएगा बेटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर होता है, तो ये 2,0 हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया 0,6 हो जाएगा, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर, तो ये पॉइंट हो गया। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 2, तो ओ ए इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने इससे भी निकाल दिया और इसकी वैल्यू भी 2 है ही, ओ बी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी, आर्क ए बी, ये ए बी आर्क है, ठीक ना, एंड द कॉर्ड ए बी, एंड द कॉर्ड ए बी, तो इसका मतलब इसी एरिया के बारे में बात हो रही है, इस एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, तो आसान सा है भाई, ये इलिप्टिकल बॉडी है, इलिप्टिकल बॉडी से अगर हम इस ट्राइंगल को माइनस कर दें तो काम बन जाएगा, ये ट्राइंगल को हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो सिंपल सा केस है, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग पहली बात तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस इलिप्टिकल बॉडी के बारे में बात हो रही है, तो जीरो टू कहाँ तक जाएगा बेटा, टू तक जाएगा, जीरो टू टू तक, इसको हम वाई ले लेते हैं, वाई डी एक्स ले लिया, और माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, बेस कितना बेटा, बेस है 2 एंड हाइट क्या है इसमें 6 है। अब इस वाई की वैल्यू के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 to 2, वाई क्यूब अगर निकालें तो रूट अंडर क्या आएगा, 36, रूट अंडर 36 माइनस 9x स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक ना, ये हो गया इस y की वैल्यू, और माइनस का ये हो गया 2 से 2 कैंसिल तो 6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो एक काम कर सकते हैं, 9 को बाहर निकाल सकते हैं, 9 बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, 0 to 2, रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, या 4 का मतलब 2 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 6। अब इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स ये फॉर्मूला होता है बेटा एक्स बाई टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 4/2, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए की वजह 2, लिमिट होगी 0 से 2 -6। 3 टाइम्स जब 2 पुट किया तो ये कंप्लीट 0 हो जाता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2, और साइन इनवर्स 2, 2/2 1 होता है और 1 की वैल्यू होती है π/2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस का, जब 0 पुट किया तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल तो ये वैल्यू आ गई 3π और ये वैल्यू है माइनस का 6, 3π माइनस का 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल से सॉल्व किया है, आप लाइन को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जरूरत है नहीं, मुझे लगता है कि आप इस टाइप से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आसान से हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 9th, अब वो 9th क्या है देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिए बेटा, और ये तो आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलता है, 1,0 दिया गया है, 2,2 दिया गया एंड 3,1 दिया गया, तो ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिए गए हैं और इसके थ्रू आपको एरिया निकालनी है। तो अब एरिया निकालने के लिए एक चीज़ चाहिए, आपको एरिया निकालने के लिए आपको कर्व की इक्वेशन चाहिए होती है, और इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, पॉइंट दिया गया, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी पड़ेगी देन एरिया निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाती है इसके रिस्पेक्ट में, तो अब इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर लें, एक्स है ये वाई है, 1,0 आपका यहाँ कहीं होगा, 1,0, 2,2 तो 2 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, तो ये 2,2 हो गया, 3,1 तो 3 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, 1 यहाँ कहीं होगा, तो इस टाइप से आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। अब इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये 3,1 हो गया, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब इन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जरा कि इनको कैसे मैनेज करना होता है, तो इसको हम लोग एक काम करेंगे, देखिएगा ए बी एक लाइन है जो कि आपकी एक्स एक्सिस पे कितनी एरिया बनाएगी बेटा, ये कंप्लीट एरिया बनाएगी, ये कंप्लीट एरिया। बी सी भी एक लाइन है जो कि आपके एक्स एक्सिस पे एरिया जो बनाएगी वो कंप्लीट ये एरिया बनाएगी, ठीक है ना, ये कंप्लीट एरिया बनाएगी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट केवल ये है, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो मुझे ये क्या करना होगा, इसके थ्रू जो एरिया बनेगी उस एरिया को क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके थ्रू जो एरिया बनेगी उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो पहला काम तो करना है ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो ए बी, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट, होता बात फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस का वाई वन, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे फॉर ए बी के लिए, ए बी के लिए ध्यान से देखिएगा, ए बी वाई माइनस, इसको ले लिया बेटा एक्स वन वाई वन, ठीक है ना, जीरो, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वन हो जाएगा, और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या बेटा वन है, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस का 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, या 2x माइनस 1 कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा सकते थे, ये हो गया ए बी। सिमिलरली हमें बात करनी होगी बी सी के बारे में, बी सी के बारे में हम एक काम करेंगे, इसे 1 लेते हैं, ये x1 है, ये y1 ले लेते हैं, इसे x2 y2 ले लेते हैं, तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल टू y2 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 1, 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 3 माइनस का 1, और x माइनस का x1 कितना हो गया बेटा 3 हो गया, माइनस है बेटा यहाँ पे, तो वाई माइनस का वन इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स प्लस का 3, तो जो वाई की वैल्यू है यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स और क्या आएगी बेटा प्लस का 4 आ जाएगी, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट वाई की होती है इसलिए वाई के फॉर्म में निकाल रहे हैं, बी सी आ गया। अब ऐसे बात करेंगे ए सी के बारे में, ए सी, ए सी के लिए हमने फिर से वाई कर लिया, एक्स वन वाई वन कर लिया, ठीक है ना, तो वाई माइनस का वाई वन कितना आया, 0 आ गया, वाई टू 1 है, 1 माइनस 0 1 हो गया, अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस का x1 कितना है बेटा 1 है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 1। तो ये सारी लाइंस की इक्वेशन आ गई है। अब इस लाइन की इक्वेशन में हम करना क्या चाहिए था, देखो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी एरिया ऑफ ए बी, ए बी के थ्रू जो आपके पास एरिया आएगी, अब ए बी क्या है, ए बी एक्चुअल में y इज इक्वल टू क्या था बेटा,
टू टाइम्स एक्स माइनस वन है, प्लस एरिया ऑफ बी सी निकालना बेटा, तो बी सी लिख दिया मैंने यहां पर, और बी सी क्या इक्वेशन जो दिया था वो था माइनस एक्स प्लस फोर है, डी एक्स लिख देते हैं, डी एक्स यहां पर लिख दीजिए, और माइनस करना था आपको ए सी को, तो ए सी के लिए क्या लिखे, ए सी लिख दिया यहां पर, और ए सी की इक्वेशन वन बाई टू एक्स माइनस वन और डी एक्स लिख दिया। अब आती बात लिमिट की, तो ए बी की लिमिट, एक लिमिट वन से स्टार्ट हुई है, अब कहां तक गई बेटा, टू तक गई है, टू तक, तो वन से टू तक हो गया। बी सी के बारे में बात करते, बी सी के बारे में टू से थ्री तक, क्योंकि एक्स के बारे में बात करते बेटा टू से थ्री तक, और जो ए सी है वो वन से थ्री तक है, तो वन से थ्री तक। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, किया जाए, तो टू टाइम्स बाहर ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का एक्स हो गया, और लिमिट हो गई वन टू टू, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और प्लस का फोर एक्स आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट है वो है टू टू थ्री, माइनस हाफ बाहर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और लिमिट हो गई वन से थ्री। चलिए कैलकुलेट, टू टाइम्स यहाँ पे पुट किया बेटा, ये फोर बाई टू मतलब टू माइनस का टू हो गया, माइनस का वन पुट किया बेटा तो वन बाई टू माइनस का वन आ गया, ठीक है ना, प्लस थ्री पुट किया तो माइनस का नाइन बाई टू आ गया, और प्लस का फोर पुट किया तो यहाँ पे ट्वेल्व आ गया ना, माइनस जब टू पुट किया तो माइनस का टू स्क्वायर मतलब ये हो गया माइनस फोर, माइनस फोर बाई टू मतलब माइनस का टू आ गया, और यहाँ टू किया तो प्लस का एट हो गया, माइनस का हाफ। इसके बारे में बात कर देते बेटा, एक्स स्क्वायर मतलब नाइन बाई टू माइनस का थ्री, ठीक है ना, वन पुट किया तो माइनस का वन बाई टू माइनस का वन। अब इसे कैलकुलेट कर लेते बेटा, ठीक, ये टू टू कैंसिल हो चुका है, ये वन बाई टू माइनस का वन, माइनस हाफ प्लस वन, तो प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ बाई इंटू टू तो मतलब ये आ गया वन, इसकी एरिया क्या बन गई बेटा, वन बन गई, ठीक है ना, प्लस अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ 12 माइनस मतलब 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 15 बाई टू, और ये हो गया 8 मतलब 6 हो गया, तो 6 कैसा हो गया, माइनस का हो गया, और ये माइनस हाफ लिख दिया बेटा इसे, यहाँ है 9 तो ये हो गया 3 बाई टू, माइनस ये बेटा क्या है, माइनस हाफ है तो प्लस का हाफ हो जाएगा। अब देखते हैं 1 प्लस 12 मतलब 3 बाई टू, माइनस यहाँ पे वैल्यू आ गया बेटा 2, तो 2 मतलब माइनस का 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई टू, तो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो 3 बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम क्या किया हम लोगों ने, इक्वेशंस फाइंड आउट की, और देन उसके बाद इक्वेशंस की थ्रू एरिया को फाइंड आउट कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एंड एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। अब ये दोनों ही इक्वेशन किसकी बेटा, सर्कल की इक्वेशन है, इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर क्या है, जीरो जीरो है, और रेडियस जो दी गई वो टू दी गई है। यहाँ पे सेंटर अगर देखा जाए तो सेंटर क्या बेटा टू कामा जीरो है, और रेडियस जो है वो भी टू है, याद है ना, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर मतलब टू, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर और इसको टू आर स्क्वायर। अब हम इसके बीच में जो एरिया बन रही उसको फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया, इसका सेंटर जीरो जीरो है और रेडियस क्या है टू है, तो अपने स्टेप से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, रेडियस क्या बेटा टू है, तो ये पॉइंट क्या आ गया टू कामा जीरो, और इस सर्कल के लिए ये सेंटर है और रेडियस क्या है टू, तो इस पॉइंट से जाएगा, तो इस टाइप से आपका एक सर्कल बन जाएगा। अब एक्चुअली दोनों सर्कल क्या बेटा इक्वल है, दोनों सर्कल क्या है इक्वल है, क्योंकि रेडियस इक्वल है, बस प्रॉब्लम क्या है सेंटर शिफ्टेड है, सेंटर कहाँ है टू कामा जीरो, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि हमें इस एरिया के बारे में बात करनी है, ठीक है ना, इस एरिया के बारे में बात करनी है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके बारे में बात कर रहे थे, कहाँ कट कर रहा है, तो देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो यहाँ पे जो दिया गया है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, फोर माइनस एक्स माइनस टू
होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर लिख सकते हैं, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, ए इसका माइनस बी इसका भी लगा सकते हैं आप, ठीक ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए इसका माइनस बी इसका, तो ए माइनस बी हो गया और ये हो गया एक्स माइनस एक्स सॉरी प्लस हो जाएगा ना, तो इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो वन आएगी, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा क्या आएगा, वन कॉमा जीरो आ गया, मतलब इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, इन दोनों का क्या है, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट अगर आ गया है तो ये जो एरिया है बेटा, ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम निकाल दें तो उसे फोर टाइम्स कर सकते हैं ना, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, और ये क्या हो गया, फोर हो गया। तो जीरो से वन तक के बीच की हम इस ग्राफ के बारे में बात करें, या वन से टू तक के बीच में हम इस ग्राफ के बारे में बात कर लें, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी तो वही है वन से टू तक, तो हम काम करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो ईजी है, ये क्या है, इक्वेशन ईजी है, तो और यही इक्वेशन है आपके पास, तो हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक ना। क्या लेकर चलेंगे, वन से टू तक, और क्या करेंगे, फोर टाइम्स, क्या लिखेंगे, वाई डी एक्स लिख देंगे, तो जो इक्वेशन ईजी उसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गया बेटा, वन से टू, वाई की वैल्यू क्या है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाए, ये हो गया फोर टाइम्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए की वैल्यू टू है और यहाँ आ गया वन टू। अब इसको ध्यान से काम कर लेंगे, फोर जब हमने टू पुट किया तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखें तो टू आ गया और साइन इनवर्स टू बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वन हो जाएगी, तो मतलब ये पाई बाई टू आ गया, ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, वन पुट किया बेटा तो वन पुट किया तो वन बाई टू आ गया, ये वन पुट करने पे रूट थ्री आ जाएगा प्लस फोर बाई टू का मतलब टू हो गया और साइन इनवर्स वन पुट कर दिया तो साइन इनवर्स वन बाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई बाई सिक्स मिल जाएगी। अब इसे आपको कैलकुलेट कर लेना, अरेंज कर लेना, ये टू से टू कैंसिल, ये हो गया पाई माइनस, यहाँ देखें तो यह वैल्यू है बेटा रूट थ्री बाई टू है और ये जो वैल्यू है वो पाई बाई थ्री है, तो माइनस का पाई बाई थ्री कर देते हैं, तो ये जो हो गया फोर कॉमन और पाई माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री आ गया और माइनस का रूट थ्री बाई टू आ गया, ठीक है ना। इस टाइप से आपका ये मैनेज हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना है, एट पाई बाई थ्री आ गया माइनस टू से टू कैंसिल टू रूट थ्री, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पार्ट आसान था उसे ले दिया, अगर हम इसको लेते हैं, अगर सपोज करो इस ग्राफ को लेते हैं और ये ग्राफ किसका था बेटा, इसका था, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, फोर माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर होता, तो वैल्यू को हमें शिफ्ट करना पड़ता ऑलरेडी, तो ये थोड़ा टफ हो जाता फंक्शन, और ये फंक्शन कैसा था, बहुत आसान था, इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा बेटा, सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए उसे, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। अब बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2 के जो अनसॉल्व एग्जांपल्स है उसके बारे में, ठीक ना। एक्सरसाइज 8.2 और जो भी क्वेश्चंस क्या है बेटा अनसॉल्व है उसके बारे में अब कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन दिया गया है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर देखें तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा, मतलब सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ गया 0, 0 और रेडियस आ गया आपकी 3/2 स्क्वायर होता ना। एंड द इंटीरियर टू द पैराबोला, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला दिया गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक ना। अब एक्स में स्क्वायर इसलिए वाई के अबाउट सिमेट्री बनेगी और इसका जो सेंटर है सर्कल का वो 0, 0 है, तो आप इस टाइप से तो कुछ ना ही देंगे, ठीक ना। और जो पैराबोला है वो पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसने कहा है फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला के अंदर जो सर्कल की एरिया है उसके बारे में बात की गई, तो इस एरिया के बारे में बात की गई, ये एरिया। अब ये एरिया एक में दो पार्ट से बनी हुई है बेटा, एक तो पैराबोला से बनी हुई है, ये हिस्सा किसका है, ये पैराबोला का हिस्सा है, ठीक ना। और ये जो हिस्सा है ये किसका है, सर्कल का है, तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और यहाँ से 0 से इस पॉइंट तक मुझे पैराबोला चाहिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट क्या बेटा 3/2 है, रेडियस क्या है 3 है ना, तो 3/2, तो 0, 3/2 लिख दिया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख दीजिए, फोर वाई
प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 लिख दिया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 4y² प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 9 4 36 होता बेटा, और 36 आपको चाहिए तो 18 2 36, तो 4y² प्लस का 18y कर दिया माइनस का 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप 2y कॉमन ले सकते, तो 2y प्लस 9 माइनस का 1 और 2y प्लस का 9, तो y की जो वैल्यू आ गई आपके पास, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2 आ गई, 1/2 एंड माइनस 9/2, तो माइनस 9/2 का तो कोई चांस ही नहीं क्योंकि नीचे तो है नहीं, तो बच क्या गया 1/2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने के बाद हम लोग को अब बात करनी है इसके एरिया के बारे में, तो अब देखिएगा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक कौन है, पैराबोला है, पैराबोला क्या होगा बेटा x, x की वैल्यू क्या है रूट 4y, क्योंकि हम लोग बात जो कर रहे हैं वो y के अलॉन्ग कर रहे हैं, और ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट साइड में भी है तो कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स, और प्लस 1/2 से लेकर के 3/2 तक की जो एरिया है वो किसके थ्रू बन रही बेटा सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है ये है, तो यहाँ से एक्स के थ्रू क्या निकलेगी बेटा 9/4 माइनस y² एंड dy, बस अब आपको इसे इंटीग्रेट कर लेना है और आपका रिजल्ट आ। हाँ तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं एरिया निकालेंगे ना, तो 2 टाइम्स क्या बेटा 0 से, अभी क्या है पैराबोला है, तो पैराबोला के लिए क्या करना है 0 से 1/2 तक लेना है, और प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करना है सर्कल की एरिया निकालनी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार और फिर इसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 टाइम्स और इंटीग्रेशन बेटा आपका 0 to 1/2 अंडर रूट ऑफ 4y है dy प्लस 1/2 to 3/2 है और अंडर रूट के अंदर है 9/4 माइनस का y² dy है, ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये 2 टाइम्स बाहर 4 बाहर 2 हो जाएगा बेटा, रूट वाई का क्या होगा वाई पावर 3/2 और ये 2/3 है और लिमिट लग गई 0 से 1/2 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन आपको पता है बेटा क्या होगा y/2 होगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा 9/4 माइनस y² प्लस a² / 2, ए स्क्वायर क्या है बेटा 9/4 है, बाइट क्या करना है 2 करना है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू है वहाँ पे वाई है और डिवाइड बाई ए तो 3/2 और लिमिट लग गई आपकी यहाँ पर 0 to 1/2 to 3/2, ठीक ना, तो वो ध्यान से इसे सॉल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4/3 आएगा इंटू में 1/2 यहाँ पुट किया तो 1/2 power 3/2 आ गया प्लस 3/2 पुट किया, चेक कीजिएगा 3/2 पुट करते समय ये 0 हो जाता है बेटा, प्लस ये 9/8 है, ठीक ना, 9/8 साइन इनवर्स अगर 3/2 पुट किया तो 3/2 by 3/2 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बारे में बात करते हैं, 1/2 तो अगर 1/2 पुट किया तो y/1/2 तो 1/2 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर देखा जाए तो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 होगा, और 1/4 को अगर 9/4 से माइनस किया जाए तो 8/4 मीन्स 2 हो गया, और 2 को हम लिख दिए √2 प्लस ये बेटा 9/8 है ना, और 1/2 पुट किया तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/3 हो गया, ठीक है ना, ये अब इसे और अरेंज कर लेना है, ये 2 का क्यूब तो 2 का क्या हो गया बेटा √2 का क्यूब मतलब ये हो गया 4/3 times और इसे हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं बेटा ये, और प्लस का ये है आपके पास 9π/16 है माइनस का ये √2/2 है √2/4 है और माइनस का ये हो जाएगा आपका 9/8 साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, ठीक है, चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसे, ये 2 से 2 कट सकता है, और हाँ तो बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है ना, तो देखिएगा क्या है 4 2 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये 4 2 8/6√2 हो जाएगा, 8/6√2 हो गया, ठीक है ना, 8/6√2 प्लस ये क्या हो गया बेटा 9/4 हो जाएगा 9/4 और π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है बेटा कॉज इनवर्स होता है 1/3
माइनस इसको अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी बेटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन अपॉन रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो काफ़ी कैलकुलेशन हो गया था आंसर मैच करने के चक्कर में, अब इसको माइनस कर देते, ठीक ना। देखिएगा यहाँ से वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू इसे बाहर कर सकते हैं, वन बाई रूट टू बाहर हो गया, यहाँ क्या आ गया बेटा फोर बाई थ्री आ गया, और ये आ गया माइनस का वन और प्लस का नाइन बाई फोर। अब कॉज इनवर्स में आंसर एक्चुअल में नहीं आ रहा, वो साइन इनवर्स में आ रहा, तो क्या कर सकते हैं हम इसे, राइट एंगल ट्रायंगल, कॉज इनवर्स क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम इसे निकालेंगे तो क्या आएगा, ये टू रूट टू आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसे हमें साइन इनवर्स में अगर लिखना है तो साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, टू रूट टू अपॉन थ्री लिखेंगे, और ये जो वैल्यू होगी बेटा ये क्या हो गया वन अपॉन थ्री रूट टू हो गई, और प्लस का ये हो गया नाइन बाई फोर साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री हो गया। अब इसमें रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रूट टू बाई सिक्स हो जाएगा, और प्लस नाइन बाई फोर साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री हो जाएगा। तो इस टाइप से ये एग्जैक्ट इसका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर मैच कराने में कभी कभी बैंड बच जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और दूसरी इक्वेशन भी क्या बेटा सर्कल की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर देखते हैं तो इसका सेंटर क्या बेटा, सेंटर है वन कॉमा जीरो और रेडियस है आपके पास वन, इसका सेंटर क्या बेटा जीरो कॉमा जीरो है और रेडियस क्या है, रेडियस वन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो इसके फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन जिसका सेंटर क्या है जीरो जीरो है और रेडियस क्या है वन है, तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा वन कॉमा जीरो आ गया, और दूसरा सर्कल जिसका सेंटर वन कॉमा जीरो और रेडियस क्या है वन है, तो इस टाइप से दूसरा सर्कल आ गया। अब इसके बीच के एरिया के बारे में बात की तो सेम क्वेश्चन बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट क्या आएगा बेटा वन बाई टू आएगा, ठीक ना, और ये जीरो है। तो ये इस हिस्से के बारे में अगर बात कर लें आप इस पार्ट के बारे में, तो ये एरिया और ये एरिया सभी एरिया सेम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे वन बाई टू से वन तक के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फोर टाइम्स वन बाई टू टू वन तक, और ये जो कर्व है ये कर्व किसका बेटा, ये कर्व तो ये वाला है, और ये जो कर्व है ये यह है, और यहाँ से वाई की वैल्यू अगर निकालते तो अंडर रूट में क्या आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा डी एक्स आएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा फोर टाइम्स। इसका फॉर्मूला बेटा एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और लिमिट लगी है आपकी वन बाई टू से वन तक, ओके। अब वन को अप्लाई कीजिए बेटा, ये फोर हो गया, वन जैसे अप्लाई किया तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस ये हो गया वन बाई टू, यहाँ वन अप्लाई किया तो साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई टू, तो ये हो गया अपर लिमिट, माइनस का लोअर लिमिट, वन बाई टू पुट करना बेटा, तो यहाँ पे वन बाई टू पुट किया तो ये हो गया वन बाई फोर, अंडर रूट के अंदर देखा तो वन माइनस वन बाई फोर मतलब क्या होगा बेटा रूट थ्री बाई फोर आ जाएगा, और प्लस का वन बाई टू, और साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू होती है बेटा पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करना था फोर टाइम्स, ये क्या बेटा पाई बाई फोर हो गया, माइनस ये रूट थ्री बाई फोर, और यहाँ से टू निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा एट आ जाएगा, प्लस का सर ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, और ये पाई बाई ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक ना। अब पाई बाई फोर माइनस पाई बाई ट्वेल्व देख लेते हैं, तो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई और यहाँ थ्री मल्टीप्लाई, थ्री पाई माइनस टू पाई बाई ट्वेल्व आ गया, ठीक है ना, तो मतलब पाई बाई सिक्स हो गया, इन दोनों का क्या आएगा फोर टाइम्स, ये हो गया पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई एट हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते, तो ये वैल्यू क्या आएगी टू पाई बाई थ्री आ जाएगी, और माइनस एट कैंसिल करेंगे तो रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टू पाई बाई थ्री, माइनस का माइनस क्या बेटा रूट थ्री बाई टू है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएगा टू पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें,
तो इसको ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद समझना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है और क्या एरिया निकालना है, ठीक ना। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा, तो एक्स में स्क्वायर इसलिए वाई के अबाउट शिफ्ट होगी, प्लस टू है तो प्लस टू मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा। ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ। दूसरा लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, सॉरी ये कुछ ऐसा 45 डिग्री पर होता है बेटा, ठीक है। ये वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स लाइन हो गई। एक्स इजक्वल टू जीरो मतलब एक्स इजक्वल टू जीरो, ये लाइन होगी एक्स इजक्वल टू जीरो, एंड एक्स इजक्वल टू थ्री, तो एक्स इजक्वल टू थ्री कुछ ऐसा होगा बेटा, मतलब इस हिस्से के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। अगर इस हिस्से के बारे में बात की गई तो ये हिस्सा जो है बेटा, ये पार्ट जो है, दिस पार्ट, ये अपर पार्ट और ये क्या है, लोअर है, तो अपर से आपको क्या करना होता है, लोअर का माइनस करना होता है। तो सिंपल सा है, आपको लिमिट जो ऑलरेडी दी हुई है जीरो से थ्री, अपर पार्ट क्या बेटा वाई, वाई क्यूब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू है, माइनस लोअर पार्ट क्या बेटा एक्स है, एक्स लिख दिया और डी एक्स लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर क्या बेटा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, और लिमिट लगे जीरो टू थ्री, थ्री पुट किया तो यहाँ पे आएगा 27/3 प्लस थ्री पुट किया तो 6 - 9/2 माइनस जीरो पुट किया तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कंप्लीट जीरो हो गया। कैलकुलेट करना बेटा तो इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, तो 6 ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे कितना हो गया 27/54 प्लस यहाँ पे 1 है तो 36 हो जाएगा, माइनस का 3 तो 27, तो ये हो गया बेटा 27 माइनस दिस वन, तो 27 + 36 डिवाइड बाई 6 और 7 13 हो गया बेटा, और ये हो गया 63/6, मतलब ये अगर 3 से कट किया जाए तो 21/2 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21/2, क्लियर। तो 21/2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए सॉल्व एग्जांपल का फायदा ये होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। देखो अब से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमने सॉल्व एग्जांपल में किया हुआ है ऑलरेडी। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, क्या दिया हुआ है वर्टिसेस -1, 0, 1, 3 and 3, 2। अब इसकी एरिया निकालनी, तो हम यहां लिख देते डू योर सेल्फ, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले इसी के जस्ट एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन था इसी वीडियो में हमने सॉल्व किया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ था और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है ना, तो इसको फिर से सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम फोर्थ नहीं करेंगे, फोर्थ आप लोगों के लिए छोड़ दिया है मैंने, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, क्योंकि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन तो करने में ठीक लगता है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव, साइड्स दिया हुआ बेटा वाई इज इक्वल टू 2x + 1, वाई इज इक्वल टू 3x + 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये ट्रायंगुलर रीजन जो दिया गया है उसकी एरिया के बारे में बात करनी है, तो देखते हैं बेटा ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, वाई इजक्वल टू 2x + 1 मतलब प्लस वन पे कट कर रहे हैं, इस टाइप से ज़्यादा होगा 2x, ठीक है ना, इस टाइप से हमने 2x लिख लिया, वाई इजक्वल टू 2x + 1, वाई इजक्वल टू 3x + 1 है तो 3x है तो ऑब्वियस बात स्लोप ज़्यादा होगा इसका, और ये भी इसी पॉइंट से ज़्यादा है, और एक्स इजक्वल टू 4 दिया, तो एक्स इजक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको इस हिस्से के बारे में मुझे लगता है बात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन बेटा, ये अपर ग्राफ है, ये लोअर ग्राफ है, आपको माइनस करना है, और लिमिट क्या बेटा ये पॉइंट से जीरो से फोर तक, तो जीरो से फोर तक अपर ग्राफ कौन सा बेटा वाई इजक्वल टू 3x + 1, लोअर ग्राफ वाई इजक्वल टू 2x + 1, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो देखिएगा 3x + 1 - 2x + 1 dx, इसे डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, तो 0 to 4 हो गया, ये हो गया एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट होगी 0 to 4, मतलब ये हो गया 16/2 मतलब 8, तो इसका आंसर तो 8 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब बात जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही बेटा, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 6 एंड 7 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है,
तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, इसके बीच की बात की गई है. देखते बेटा इसकी, अब ये ऑब्जेक्टिव तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, ठीक ना. अब इसका सेंटर क्या होता है बेटा, जीरो जीरो होता है और रेडियस होती है इसकी टू. तो ये हो गया आपका सर्कल जिसका सेंटर क्या है, जीरो जीरो है और रेडियस क्या है, टू कॉमा जीरो. अब यहाँ पे अगर इस लाइन के बारे में बात की जाए तो इस लाइन को अगर ड्रॉ करना होता तो इस टाइप से आप कुछ ड्रॉ कर दिया करिए, एक्स वाई, एक्स जीरो है तो वाई टू, वाई जीरो है तो एक्स की वैल्यू टू, मतलब टू टू, ये भी टू टू है, ये लाइन हो गया. इस स्मॉलर पार्ट के बारे में बात की गई है, ठीक है ना. अब ये जो है ये फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल है. आप फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, एक आइडिया लगाते हैं. फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल है तो वन बाई फोर्थ पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है फोर, टू है, माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल वन बाई टू, बेस कितना बेटा टू और हाइट है टू, मतलब फोर फोर कैंसिल, पाई माइनस का टू टू कैंसिल टू, पाई माइनस टू, ये आंसर हो जाएगा आपको. तो आपको इसे इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. चलिए सेवन्थ के बारे में बात कर लेते हैं. और इंटीग्रेशन में पूछा जाता है तो सिंपल सा था, आपको इस कर्व के बारे में बात करनी होती तो क्या लिखते हैं, फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और जीरो टू टू तक के बीच की एरिया निकालनी होती, ठीक है ना. और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना होता. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एरिया लेंग बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स दिया गया है एंड वाई इज इक्वल टू टू एक्स दिया गया है. अब इसके बीच की बात की तो वाई में स्क्वायर है इसलिए ग्राफ कैसा होगा, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा और y इज इक्वल टू टू एक्स तो y इज इक्वल टू एक्स कुछ ऐसे हो गए, ठीक है ना. बात कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं. इसके बीच के एरिया के बारे में बात करी गई है तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एरिया ऑफ कर्व माइनस का एरिया ऑफ लाइन, ठीक है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, y की जगह ये लगा देते हैं. तो यहाँ पे कितना है बेटा, y स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, मतलब x की क्या आ गया बेटा, वन आ गया. तो ये हो गया आपके पास वन कॉमा जीरो. अब क्या करना है, जीरो टू वन के बीच में अपर ग्राफ कौन सा है, y, तो y की वैल्यू हो गई अंडर रूट फोर एक्स, माइनस लोअर ग्राफ क्या बेटा टू एक्स है और डी एक्स हो गया. अब सॉल्व करना है, इसका मतलब टू हो गया x की पावर थ्री बाई टू और ये हो गया टू बाई थ्री. लिमिट क्या होगी बेटा, जीरो से वन. एक काम करते हैं, लिमिट अभी हमने यहाँ नहीं सब्सिट्यूट करते हैं ना, बाद में करेंगे. टू एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट होगी जीरो टू वन, वन पुट करते बेटा तो ये हो गया फोर बाई थ्री, वन हो गया और ये टू से टू कट गया तो वन पुट किया तो यहाँ पे माइनस का वन आ गया और जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा. तो फोर बाई थ्री मतलब वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, ठीक है ना. तो इस टाइप से आपका ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड विथ एक्सरसाइजेस, ठीक है ना. सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस की, ठीक है. तो प्लीज़ आप वीडियोज को कंप्लीट देखा करिए, अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.